नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की खबर, बिहार के सीतामढ़ी से पुपरी में 163 व बाजपट्टी में 273 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। वहीं 3559 प्रत्याशियों का भाग्य है ईवीएम में कैद। आपको बता दें, सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भय मुक्त कराने के लिए बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। सीतामढ़ी जिले के 2 प्रखंडों में कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतदान कराया गया। पुपरी में 163 तो बाजपट्टी में 273 बूथों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई। 3559 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भय मुक्त कराने के लिए बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। जगह जगह पुलिस बल की भारी तैनाती। आपको बता दें कि बूथों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा 144 भी लागू किया गया। साथ ही चुनाव के दौरान क्विक रिस्पॉन्स टीम भी पूरे इलाके में भ्रमणशील थी। डीएम सुनील कुमार यादव तथा एसपी हरकिशोर रॉय भी लगातार विभिन्न बूथों पर गश्त लगाते दिखे। वहीं बता दें, लगातार सुरक्षित मतदान को लेकर जिला प्रशासन सजग तथा सतर्क दिख रहा था। पुपरी प्रखंड विभिन्न पंचायतों से मुखिया पद पर कुल 102 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं जिला परिषद पद पर 25, पंचायत समिति सदस्य पद पर 136, सरपंच पद पर 82, वार्ड पद पर 733 तथा पंच पद पर 264 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है आज। जैसे कि बाजपट्टी और कुपरी में है, सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव में सब सहभाग कर रहे हैं। अपना पुलिस प्रशासन बिल्कुल दुरुस्त रूप है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एसपी साहब भी हम दोनों घूम रहे हैं और बहुत ही भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव हमारा चल रहा है। क्या अपील करेंगे लोगों से, सहयोग करने के लिए? अपील करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर चुनाव में भाग करें, कोविड गाइडलाइन प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क आदि का इस्तेमाल करते रहें और सफल चुनाव हमारा बनाएं।